एक रूममेट जो पजेस्ट हो गई, जिसका सिर धड़ से अलग हो गया। टेनिस खेलते समय घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे स्टेडियम के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, और ज़ोंबी जैसा दिखने वाला एक भयानक क्रीचर जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अगर आप भूतों पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आप एक लौते ऐसे इंसान नहीं है। दुनिया में ऐसी कई संस्कृतियां हैं, ऐसे देश और ऐसे लोग हैं जो भूतों पर यकीन करते हैं, जिनका मानना है कि वाकई में दूसरी दुनिया की आत्माएं हमारे साथ आसपास रहती हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूतों को केवल कल्पना मानते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपके होश उड़ा दूंगा। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे असली भूतों के वीडियो जो कैमरे में कैप्चर हो गए। तो जिन लोगों को रियल भूत सीरीज के इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज हम चलेंगे कब्रिस्तान की सैर पर आज के फाड़ू वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पर एक लड़की वीडियो बना रही है, उसने उसके सिर पर से कंबल हटाया। बाप रे, ये क्या है, ये क्या देख लिया। ये जो अभी हमने देखा वो वाकई में असली नकली फर्क नहीं पड़ता, ये वाकई में डरावना था। मतलब देखा आपने कैसे, मतलब उसकी मुंडी अलग हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई मेकअप वगैरह होगा, लेकिन नहीं, जो भी था भाई नेक्स्ट लेवल था। अगला वीडियो देखने से पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए। ये लड़की रात में सपने में आने वाली है, पक्का बता रहा हूँ। अगला वीडियो है कब्रिस्तान का, जहां पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वीडियो शूट कर रहे थे और उन्हें कब्रिस्तान में एक औरत दिखी, और ये भूत नहीं है, ये वहां पर जरूर कुछ काला जादू या कोई रिचुअल कर रही थी। ये हॉन्टेड मूवी के मार्गरेट जैसी लग रही है। अरे भागो ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी, उसने देख लिया, इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इट्स रियली स्कैरी मैन। वो आ गई है, वो कंटिन्यूसली इनकी तरफ बढ़ रही है। अब इनको दौड़ लगा देनी चाहिए, भागो भाई। और इन लोगों को डर शायद इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इनके पास पूरी टीम है, ये अकेले नहीं है। फाइनली इन्होंने कब्रिस्तान का गेट लगा दिया, एंड शी इज कमिंग। भागो, कार में बैठो और निकल लो भाई। देखो बहुत से लोग YouTube पर इस तरीके के वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आजकल। लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के नाम पर सुनसान रातों में जंगली इलाकों में चले जाते हैं, कब्रिस्तान में चले जाते हैं। हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकता है ये भूतनी ना हो, ये गौरव जोन हो जो कि अपना कोई प्रैंक शूट कर रहा हो। लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए। कभी भी भाई रात में ऐसे कब्रिस्तान जैसी जगहों पर बिल्कुल मत जाना। देखो वैसे तो इस टाइप की हरकतें मैं करता नहीं, लेकिन अगर मुझे कब्रिस्तान या कहीं जंगल में ऐसी औरत दिखे ना, तो भाई मैं वहां से 9-11 हो जाऊंगा। मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। वैसे सीरियसली बताऊं, तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते, जो करना है ना वो भूतनी ही करेगी। तो भैया अगला वीडियो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वालों की तरफ से। वो एक सुनसान घर में जा चुके हैं अपना कैमरा लेकर, और अपनी लाइट जलाकर यहां वहां मंडरा रहे हैं कि उन्हें कुछ दिख जाए, और उन्हें कुछ दिख गया। हालत खराब हो गई उस आदमी की। शिट भाई, तुमने देखा वो औरत जो थी, वो जो भी थी, वो हवा में उड़ गई, मतलब वो छत के अंदर चली गई। क्या हो रहा है भाई आज के वीडियो में, आज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक वीडियो दिख रहे हैं। एक बार और देखते हैं जरा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सीरियसली माइंड ब्लोइंग। और पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वालों को भी चैन नहीं आया भाई, ये फिर एक सुनसान जगह पर चले गए हैं। डब्बे के पीछे उन्हें कोई सुसु करता दिख रहा है। अरे आप, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कौन है? ज़ोंबी! भाग भाई, ये क्या है, इसके मुंह में खून लगा हुआ है। इस वीडियो में दो कुत्ते हैं जो किसी चीज को देखकर भौंक रहे हैं, और तभी अचानक एक कुत्ते पर हमला हो जाता है।
आपने देखा कि वो कुत्ते अचानक से चुप हो गए थे, और फिर इस कुत्ते के ऊपर हमला हुआ। वैसे मैं कुत्तों को कुत्ता बोलना पसंद नहीं करता, आई लव डॉग्स, इसलिए मुझे जो भी कुत्ता दिखता है उसको मैं कुछ ना कुछ नाम जरूर रख देता हूँ। और भाई घर में कोई ना कोई ऐसा डॉग होना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे पहले भांप लेता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। यहाँ पर टेनिस का मैच चल रहा है और तभी अचानक बीच नेट में से आपको कोई ऐसी आकृति दिखाई दी, वो देखो एक शेडो जा रही है और पट्टे से हेडशॉट। मतलब वाकई में अगर कोई मरने के बाद बेचारा मैच देखने आया होगा तो उसके सर में तुमने हेडशॉट दे दिया यार, भाग गया वो वहां से बेचारा, गजब बेइज्जती है। बट आपको क्या लग रहा है कि ये सच में कुछ ऐसा था? और अगर था भी तो आखिर क्यों वो भूत बीच फील्ड में से घुस के निकल रहा था? मतलब वो साइड से भी तो जा सकता था, हो सकता है वो नया नया भूत बना, उसे लग रहा हो कि भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं सीरियसली वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप कमजोर दिल वाले हो और रात में अकेले इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई इस पार्ट को स्किप कर देना, क्योंकि भाई रात में एक बंदे की नींद खुलती है, जब नींद खुलती है उसे लगता है उसके आसपास कोई है, वो फटाक से अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। मतलब आजकल वीडियो रिकॉर्ड करने का कितना क्रेज हो गया है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, इसके बेड के नीचे से कुछ निकलेगा, बता रहा हूँ मैं। गेट खुला अपने आप, कोई आ गया है कमरे के अंदर, बाप रे मैं तो हार्ट अटैक से ही मर जाऊं अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो। क्या हो रहा भाई, कंबल के अंदर ही घुसे रहना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर, अरे आ गया बाहर, जो करने को मना करो वही करता। एक बार और पानी पिएंगे हम। यहाँ पर एक बढ़िया सुंदर सी फिट लड़की, अरे 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 भाई भूत खींच के ले गया उसको अंदर, क्या हुआ ये, एक बार फिर से देखेंगे वन मोर टाइम, स्टोर रूम जैसे कुछ लग रहा है। और तभी अचानक से किसी ने इसका पैर पकड़ के खींच लिया, ये वैसे वायर वर्क हो सकता है जैसे फिल्मों में स्टंट करने के लिए यूज करते हैं ना। अगर इस लड़की के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ है ना, ये कभी उस जगह पे नहीं जाएगी, और जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ होगी। यहाँ पर कुछ लोग गन्स लेके मकान में जा रहे हैं, ये दरवाजा बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसमें कोई रस्सी लगी हो सकती है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। ओ भाई ये जगह तो सच में हॉन्टेड है, देख रहे तुम कैसे दरवाजा पटक रहा है भूत। मैं बताऊँ वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसी ही होती है जहाँ जो आत्मा होती है वो अपना गुस्सा दिखाती है चीजों पर। एनीवे अगली जो क्लिप आने वाली है वो मुझे इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने भेजी है, और हाँ अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे डरावनी वीडियोस भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक यहाँ पर दिख रही होगी तुमको, और अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना। ये वीडियो ओरिजिनली है डैनी की, और यहाँ पर उनके घर में हो रही है कुछ गड़बड़, उन्हें अपनी अलमारी में से आवाज आ रही थी तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फोकट की टिप दे रहा हूँ, घर में अगर कोई आवाज आनी शुरू हो जाए तो वीडियो मत बनाना, सबसे पहले दरवाजा खोलना, घर के बाहर चले जाना। लेकिन लोग कहाँ ऐसा करने वाले हैं, देखो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे रोक रही है, लेकिन भाई रुकेगा क्या, भाई तो सुपरमैन सलमान का फैन, और इसकी अलमारी खुली हुई है, उसमें से जैकेट वैकेट निकाल के बाहर फेंक रखी भूत ने, भूत को पसंद नहीं आए ये कपड़े। भाई रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो यार तुम, क्या है अब इतनी सी जगह में भूत कहाँ से ही आएगा। ये दूसरी अलमारी अपने आप खुल गई पीछे वाली, ये पहले नहीं खुली थी, जब ये बंदा अंदर आया था तब ये बंद थी, उसने इसे बंद किया सीधा, उसके बाद अगेन, ओ माय गॉड, बाप रे तुमने देखा वो, एक बार और दिखाता हूँ ध्यान से देखो जरा स्लो मोशन में, देखा ना उसकी अलमारी में कुछ था। मैं इस अलमारी को घर से बाहर फेंको और आग लगा दो उसमें, मैं तो बोल रहा हूँ घर ही छोड़ दो, दुनिया ही छोड़ दो। तो यार बस मेरे ख्याल से आज के वीडियो को हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, मेरे पास 5 क्लिप्स और हैं बट नहीं, वरना मैं अगला वीडियो बनाने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा। तो यार अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा इस वीडियो को देखकर, लाइक जरूर करना और ऐसे ही फाड़ू वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई चलता हूं मैं, जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, जाकर किसी बगीचे में बैठूंगा दिन के उजाले में, अभी तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।